राधे राधे मित्रों, अब हम रस मंडप मानपुर से वापस गहवर वन आ चुके हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं। गहवर वन कुंड के, जिसे राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सफाई के कार्य से अभी खाली कर दिया गया है। मित्रों, हमने पहली बार इस दिव्य कुंड को खाली देखा है और बहुत ही अद्भुत है, आप देख सकते हो। मित्रों, ब्रज के संत बताते हैं कि इस दिव्य कुंड श्री राधा सरोवर या गहवर वन कुंड को स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपनी बांसुरी से बनाया था। एक बार जब श्री राधा माधव जी गहवर वन में नित्य बिहार लीला कर रहे थे, तब श्री जी को बहुत प्यास लगी। तब श्री राधा रानी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस दिव्य कुंड को खोदा था। तब श्री राधा रानी ने उसी कुंड से पानी पिया था और अपनी प्यास बुझाई। ऐसे दिव्य अलौकिक कुंड को हम प्रणाम करते हैं और श्री जी की लीलाओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और पहाड़ी की चोटी पर दिखाई देती है मोरकुटी और यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर मान मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। मोरकुटी की पहाड़ी और मान मंदिर की पहाड़ी के बीच की तंग घाटी में जो वृक्षावली है, यही गहवर वन है। यहाँ से एक और पहाड़ी की चोटी पर दिखाई देती है मोरकुटी। यहाँ से थोड़ा और आगे चलने पर परिक्रमा में श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य जी की बैठक स्थित है। यहाँ दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिखती हैं। इस क्षेत्र में बंदर भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। बहुत से श्रद्धालु इन बंदरों को खिलाने के लिए फल इत्यादि लेकर आते हैं। श्री राधे राधे मित्रों, अब हम आगे श्री कुशल बिहारी मंदिर, जिसे जयपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे दाईं तरफ एक रास मंडल स्थित है। यह बहुत प्राचीन है। यहाँ प्रतिदिन रास लीला होती है। यहाँ एक कुआं भी है जो बहुत गहरा है। इसके आगे चलकर बाईं तरफ बहुत से संतों की समाधियाँ दिखती है। दाईं तरफ दानगढ़ मंदिर है। यहाँ भक्तजन दान बिहारी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के आगे एक पत्थर का बना प्राचीन झूला स्थित है। अब हम श्री कुशल बिहारी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। बोलिए श्री कुशल बिहारी सरकार की जय।
अब हम श्री कुशल बिहारी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। बोलिए श्री कुशल बिहारी सरकार की जय। मित्रों, परिक्रमा में आगे के दर्शन करने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।